हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से कुकिंग टाइम विद अमिता में। आज मैं बनाने वाली हूँ सोना मोना चिकन। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाना शुरू करते हैं। ये रहा चिकन, अब मैं इसे अच्छी तरह से धो के साफ कर ले रही हूँ। चिकन को ज्यादा धोना नहीं होता है, एक या दो पानी धोने से साफ हो जाता है। ये चिकन है, इसे मैं धो ली हूँ, अब इसे मैं साइड कर ले रही हूँ। इसे एक दो सेकंड के लिए इसी तरह छोड़ देंगे धोके। अब मैं मसाले की तैयारी कर ले रही हूँ। ये रहा लहसुन, ये अदरक, ये जीरा, ये गोलकी, ये गरम मसाले मैंने खड़े रखे हैं। इसे मैं मिक्सी जार में पीस ले रही हूँ। ये मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, गरम कर रही हूँ। ये मसाला मैंने पीस रखा है, लहसुन का, अदरक का, ये तीन कटा हुआ प्याज है, थोड़ी सी लहसुन है और थोड़ी सी धनिया के पत्ते हैं। ये मसाला मैं निकाल दी हूँ, मिर्च है, हल्दी है, धनिया का पाउडर है, ये कटा हुआ जो प्याज है ये इसमें ऐड करना है, ये खड़ा दो लहसुन है थोड़ी सी, ये धनिया के पत्ते हैं। अब इसमें मैं लहसुन, अदरक और थोड़ी सी गरम मसाले के पेस्ट, मैंने दरदरा रखा है इसको, थोड़ा सा मोटा, इसमें डाल दे रही हूँ। मसाले के पेस्ट डाल रखी हूँ, अब मैं इसमें धनिया डाल दे रही हूँ, फिर हल्दी और फिर ये भुकी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ खाने की जान नमक स्वाद अनुसार, इसमें 1.5 चम्मच नमक। अब इसे मैं पूरी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। इसे ढंग से मिक्स कर रही हूँ ताकि नमक या फिर और सारे मसाले इधर उधर छूट न जाए, इसलिए अच्छे से मिक्स करना जरूरी होता है इसको। ये हमारा हो गया, मिक्स हो गया। ये कुकर हमारा गर्म हो गया, अब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। ये तेल रहा, ये तेल को गर्म करना जरूरी होता है ताकि इसके अंदर कच्चा, मतलब इसका जो तेल का स्वाद होता है कच्चा ना रह जाए। ये इसमें तेजपत्ता मैं डाल दूंगी, 2 तेजपत्ता ले रखी हूँ, थोड़े से जीरे और हल्की सी प्याज। प्याज हो गया, प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें लहसुन, अदरक और जो गरम मसाला का पेस्ट था उसमें मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा मैंने चिकन में डाल रखा था और थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ। अब ये छोटे छोटे 2 टमाटर है, इसको भी ऐड कर दे रही हूँ इसमें। मैं अब मैं धनिया के पत्ते डालने वाली हूँ और मैं अब इसमें ऐड करने वाली हूँ खाने के जान नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि नमक पहले ही हमने चिकन में मिक्स कर रखा है, इसलिए थोड़ी सी चिकन। ये मसाले भून गए हैं ये। अब इसमें मैं चिकन डाल दे रही हूँ। ये सारे चिकन मैं इसमें डाल दी हूँ, अब इसे मैं चला ले रही हूँ। अब इसी में मैं ऐड करने वाली हूँ चिकन मसाला, थोड़ी सी और चुटकी भर गरम मसाला। सारे मसाले को मैं फिर से मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसमें हल्की सी पानी डाल के मैं इसे पैक कर दूंगी। थोड़ी सी पानी डालना होता है क्योंकि चिकन खुद ही पानी छोड़ता है, इसलिए थोड़ी सी पानी डालना होता है इसमें। अब इसे मैं पैक कर दे रही हूँ, इसे मैं अच्छे से पैक कर दे रही हूँ 2-3 प्रेशर आने तक।
ये प्रेशर हमारा तैयार है। ये हमारा 3 सीटी लगने के बाद मैं इसे एक बार खोल के देख ले रही हूँ। ये कितना अच्छा कलर आया है देखिए। ये पीस भी गल चुका है। ये पीस हमारा कितने अच्छे तरीके से गल चुका है ये देखो। ये देखो फ्रेंड कितने अच्छे तरीके से ये पीस भुना चुका है। इसमें से पूरे तेल छोड़ दिए, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये देखो ये कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखो सारे पीस अलग अलग हो गए हैं। ये देखो हड्डी भी इसने छोड़ रखा है। अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ हरे पत्ते धनिया के साथ। मुझे हरे पत्ते धनिया बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं हरे पत्ते धनिया के साथ इसे गार्निश करूंगी। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।